आपने हमर का लॉक तोड़ा है? तोड़ा है नहीं तोड़ा सर, 1975 मॉडल की गाड़ी बीच पड़े। पाओ 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 सर, ऐसी गाड़ी थी कि हाथ लगते ही चीजें हाथ में आ गई। ये सर बहराम अली थे। आप लोगों के लिए एक और वीडियो के साथ अभी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो एक ट्रैवल लॉग है जो कि चोलिस्तान रैली का है, और जो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे इसको, ताकि आपको एक सफरनामा टाइप चीज मिले कि किस तरह हमने शुरू किया, कैसे हम पहुंचे। रजा साहब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रीपेड एक कैटेगरी में, और उनकी गाड़ियां और वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने पहले भी चले गए थे, रेकी वगैरह करनी थी, और अभी हमने एक दोस्त है हमारे गुड्डू भाई, उनको पिक करना है। वो भी आपको ब्लॉग में साथ साथ नजर आते रहेंगे। मेरे साथ बहराम है, सफ़ीर है कैमरे के पीछे इस टाइम, वो शायद आपको ब्लॉग में बाद में नजर आएंगे। उस्मान खान है, ये टेक्निकल जो है रजा की असिस्टेंस भी करते हैं, हमारे पार्क व्हील्स की जो कार शो टीम है उसके मेंबर भी हैं। तो इनके बगैर वहाँ पर जो है जाना बिला वजह था। रजा साहब ने कहा अगर आना है तो इनको लेके आना, वरना मत आना। भाईजान फोन बंद किया हुआ है, घर सिग्नल नहीं आते, हमारे सिग्नल ना वीक हो जाए रस्ते में। प्लान में सर सबसे पहले मुझे 2 दिन पहले कहा गया, मैं कहा सुनील साहब कौन सी गाड़ी पे जाएंगे, उन्होंने फरमाया क्रूजर, सिर्फ एक लफ्ज लैंड क्रूजर। तो मैंने अर्ज की हजूर आपके पास ना 1970 से लेके आज तक के क्रूजर है, जो सबसे नया वाला है उस पर जाना है या बीच में कोई? तो वो उनको समझ आ गई उस वक्त कि नहीं यार हम पुरानी गाड़ियों का नहीं। मैंने पहले पेट्रोल का भी खर्चा वैसे देखा है, हाफ हाफ का फर्क होना इसका इसका और उसका। चलो हाफ में अब हाफ मान गया ना, मान हो गए, लो जी खर्चा कम हो गया, कंपनी का खर्चा कम हो गया, हम नई गाड़ी में जाए, पहले मीठे का खर्चा ज्यादा हो गया। नहीं तो हमने कंपनी बिल पे गए या सुनील साहब जी जो दे नहीं, इसके लिए तो खुद देना पड़ेगा। अब रजा साहब के लिए तो नहीं देगी ना कंपनी, वो कौन सा कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो रजा साहब हमें आदत है इस बात की हम चोलिस्तान जाएंगे, आपको ब्लॉग में भी दिखा देंगे अगर मेहरबानी होगी, करो मैं हाथ भी ला लें। और सर जाते हुए वो 8 इनविटेशन मुझे दे गए हैं, और वहाँ पे जाकर उन्होंने 8 नहीं, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हम दोनों को पहचानना है कितनी देर के लिए, जितनी देर तक आपने ब्राउनी उनके हाथ में पकड़ानी है, उसके अलावा उन्होंने कहना है कि आप कौन है। फुल कर दें, आईएफटी नहीं रेगुलर डाल दें, आप जी 0 देख लेना। हाँ मेरा भाई देख लिया। अपना कार्ड दो ना, ये वाला कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड दे दें। हाँ उनको क्या, वो क्या देगा आगे से? पेट्रोल वो है बस, ठीक है। अच्छा पेट्रोल पा देंगे। सेलिब्रिटी हो अपने अपने एस्टिमेट कर गए। सेलिब्रिटी शाहरुख खान ने कभी क्रेडिट कार्ड रखे? नेवर। अच्छा तुसी कह रहे हो नाक स्वाइप कर देंगे? नहीं फिर मेरा तो मुझे बड़ा नाक। सेल्फी ले लो। पहला स्टॉप बहुत जल्दी ले लिया, मैं तो अभी कह रहा था कि ना रुके, पहले ही मोटरवे के स्टॉप पे इन्होंने नाश्ते शुरू किए सबने। गुड्डू साहब को देखें, उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया, सारे खा रहे हैं, अच्छी बात है, अभी खा लेंगे, आज इनको लंच नहीं मिलना। जी जी चोली सन जाएंगे, आप बोल दें जरा। क्या बोला सर? पार्क व्हील्स को सब्सक्राइब करें सर, पार्क व्हील्स को फौरन सब्सक्राइब करें, और मैं भी इस वीडियो के बाद फौरन यही काम करूंगा। अभी बावलपुर में जाएंगे, मेरा ख्याल है मैकडॉनल्ड मिलेगा जो सबसे सेफ खाना है, या अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर वो याद आ जाए तो फिर देखते हैं। बाली साहब गजनी बने, उनको याद नहीं है। कौन है, तुम नहीं आते? क्या नाम है रेस्टोरेंट का यार, क्या नाम था वो? अजीब सा पिछले साल नहीं आया बस, लेकिन बलोचिस्तान मुश्तरका, बलोचिस्तान मुश्तरका, मेमोरी अपने लिए खुद ही मुश्तरका बलोचिस्तान नाम हो जाएगा, कमाल है। यहाँ से अब उस शरीफ 45 किलोमीटर बता रहा है, टोटल 87 किलोमीटर पे हमारा कैंप है। मैकडॉनल्ड्स कितनी दूर है? आप समझ लें कि आपका सफर तकरीबन आधे घंटे का हो रहा है। यहाँ से 2-2 बर्गर पकड़ लें, इनका आसरा हो जाएगा। अच्छा 2-2 बर्गर। बाली का तेरे कितने पकड़ने? मेरे जी बता, मैं डाइटिंग पे मैं। अच्छा जी हमारे साथ हैंड ये हो चुका है कि हमने वो जो लिया ना, बहुत गूगल मैप के ऊपर आके हम उस शरीफ से आए हैं, पहले हम पहले उतर आते थे बावलपुर से, और हमारा ख्याल था हमें मैकडॉनल्ड्स मिलेगा और उसके बाद हमें मिलेगा मुश्तरका बलोचिस्तान, कुछ नहीं मिला। गूगल मैप हमें गलियों से लेके आया, मैं तो लाहौर से एक ग्लास चाय पी के निकला था। इनका सर उनमें भी गुजारा है, इनका गुजारा है, एक कप चाय में भी है, एक बन दे दिया इनको, वो भी चला लेंगे। आप लोगों ने हमेशा की तरह सर, हमेशा की तरह सुनील साहब को भूख कम लगती है, इस चक्कर में वो बाकी लोगों का भी रोजा रखा देते हैं।
सरखाना या सरखाना दो लास्ट टूर है, दो बंदे तकरीबन मर गए होंगे जब हम खाने के पास पहुंचे। अच्छा इंसान के अंदर और उनकी तदफीन जो है वो रोटी के बाद ही होती है, तुम्हें खुद ही ख्याल नहीं कि तुम्हारे साथ इस बंदे ने और तदफीन रोटी के बाद होगी, ये बात ज़हन में रहे, सोच समझ के फौत होए, क्योंकि लाश अकड़ भी गई तो हम रोटी पहले खाएंगे। देखें जी मेरा कसूर नहीं है। हाँ मेरा कसूर वो सामने है जी कैंप, और देखो सिटिंग पड़ी है, वो निशान मार्च खड़ी है, निशान मार्च भी मेरी होती पता थी। हाजी जेब साहेब मैंने दूर से हवाई जहाज देखे, मुझे एक और जहाज याद आ गया सर, बन गया है वजन पे। सुबह से पहला नाश्ता हो रहा है, आप लोगों ने पिज्जा शिज़ा खा लिया था, तो भाई साहब ने और फरूख भाई ने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया, उनकी मेहरबानी है। मुश्तर का बलोचिस्तान और गूगल के चक्कर में रहते तो हमारा मुकद्दर भूखती। गुड्डू भाई आपको तो भूख नहीं सर, मैं तकरीबन सर मौत के दहाने से वापस आया हूँ सुनील साहब के चक्कर में, और रोटियाँ अल्लाह ने दे दी है, अजी साहब की मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है। यार अब हम इधर पहुँच गए हैं टीम एशिया के जो कैंप में, और ये मस्जिद बनी हुई है देखें, बिल्कुल लास्ट टाइम भी हम यहीं पे रहते हैं, मेरे ख़याल में वीडियो में दिखाई थी, दिन के टाइम ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, बट अभी रात के बजे हैं 9। सर नाश्ता इंशाल्लाह ताला 3 बजे का टाइम है नाश्ते का, क्योंकि 12:30 हो गए ने, ऐ सर पानी की बोतल है जड़ी यही साथ है, मैं सर सारे कैंप तो चले गए सी भाई, पूरे ट्रैक मैं टीम एशिया के डाले में पीछे बैठ के सर आया हूं, और नहा के निकला था सर, क्योंकि सुबह जब हमने इनको उठाने की कोशिश की तो इन्होंने कहा मैं नहीं उठ रहा, जाओ मजदूरी करो, काम करो, व्लॉग बनाओ, तुम स्टार हो, मैं नहीं है, तो ये तो चले गए थे। हमने यहाँ पे सारी देखी है, अभी अब इनको नाश्ता कराएंगे, रात को बहुत ज्यादा ठंड थी पूरी रात में, और गुड्डू साहब मेरा ख्याल है 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोए, इतनी ठंड थी, हालांकि हम कैंप के अंदर थे, लेकिन फिर भी 1:15 इन्होंने नाश्ता नहीं किया, इनको नाश्ता करा रहे हैं, और उसके बाद आगे मजीद आपको ब्लॉग दिखाते हैं क्या चल रहा है। टीम ने भी नाश्ता नहीं किया, टीम ने भी नहीं किया, तो आज फिर इकट्ठे चलते दो इंच कवर कम हो गया सर, ये भैया हमारा सर इसका रंग पीला हो गया, इसको नाश्ता नहीं किया, और मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो भी नीचे आ गया। हाँ जी दोपहर के 2:45 हो गए हैं, क्वालिफाइंग ग्राउंड तकरीबन 4 बजे तक चलना था, लेकिन हमारे साथ के बॉयज बहुत ज़्यादा फ्रेश थे तो हमने फैसला किया वापस आ जाएं, अब कैंप पे आ गए हैं, अमर भी खड़ा है, क्रूजर भी खड़ा है, वीगो भी खड़ा है, 1GR और रजा साहब की जो पहली डेब्यू व्हीकल है नवारा जिसको मैंने दफा चलाना था वो भी खड़ी है। इंटरेस्टिंग सर ये है कि सारी गाड़ियां तो खड़ी हैं, बाली बगैर लंच के भी तक खड़ा है। इंटरेस्टिंग और इन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की, तकरीबन आधी टांग के ऊपर इन्होंने चाय गिराई है ये वाली साइड पूरी, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की मुझे, ये कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं तो उन्होंने बोला कि जी एलोवेरा लगा लो सही हो जाएगा सर नाश्ते के, वो साले भैंस जा रही है, इन्होंने वो कार्ड गिरा दिया, 3 दिन पुराना सैंडविच मिला है
और रोल, आधा कप चाय, पराठा रोल, पराठा रोल ठंडा था, मैं नहीं खा सकता भाई जी। जिस जगह आप सहरा में बैठे थे वहाँ पे इतना आपको सर्विस मिल गया, आपको और क्या चाहिए सर। बाली के लंच के लिए भी हमने नैंडोस वालों को कहा, आपने हमर का लॉक तोड़ा है? तोड़ा है नहीं तोड़ा सर, 1975 मॉडल की गाड़ी बीच पड़े, पाओ 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 सर, ऐसी गाड़ी थी कि हाथ लगते ही चीजें हाथ में आ गई। पहली बात तो ये 1975 नहीं, 2008 मॉडल है, आखिरी मॉडल है हमारे का, इसके बाद आई नहीं। दूसरी बात, ये पूरी गाड़ी फाइबर की बनी होती है, इसको इंसानों की तरह खोलना होता है, अगर लॉक को टूटे के साथ लटक जाओगे बंद के साथ तो टूटे गई। तो लटक गए थे हम, लटक गए थे, तो बिल्कुल 47 नंबर वैगन समझी हुई थी कि मैंने लाया चलो वापस। मेन कैंप की साइड है जहाँ पे सारे खाना शाना खाते हैं, डेरा बनाया हुआ है और महमूद मजीद साहब ने, उनका डेरा है और बड़ा खूबसुरत है। अगर देखा जाए तो बड़ा कंटेम्प्रेरी लुक है इसकी, मिट्टी वाली लुक है, लेकिन अंदर से जो है मेरे ख्याल से पक्का बनाया गया है। एक दफ़ा इन्होंने वॉशरूम तो हमेशा होते हैं इधर, इस दफ़ा भी हैं, लेकिन एक इन्होंने जो है ना, आप मोटरवे पे जाते हैं 50 रुपये वाला वॉशरूम होता है लॉक वाला, वो इन्होंने बनाया और पोर्टेबल बनाया है खुद, अपने एक ट्रॉलर था जैन के पास मुझे याद है, उस पर वो गाड़ी लेके जाते थे जगह। तो आज मेरे सुबह फहीम भाई बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह इसको सारा बिल्ड किया लोहे से पाइप्स के साथ, उसका स्ट्रक्चर बना के, तो वो भी आपको दिखाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेस्ट होस्ट का अवार्ड रजा साहब को उन्होंने दे दिया है, बिकॉज कल से जब से हम आए हैं रजा साहब ने एक दफ़ा इनसे सलाम लिया है, वो भी दूर से किसी काम से, उसके बाद वो इनको नहीं मिले। आपको मिले कैमरे के लिए कि नहीं अभी तक? नहीं नहीं मिले। चलें उम्मीद करते हैं कि कल सुबह जब वो जा रहे होंगे, और आज क्वालिफाइंग में नहीं मिले, आपको मिले ही नहीं रजा साहब? नहीं यार, कमाल नहीं वैसे, मुझे मिले थे, बाद में उन्होंने गैर हाजिर लगा देनी आपकी। सो ये जी हमारा कैंप है, पानी की बोतल, यहाँ पे आग लगती है, आग लगाने में वैसे ही माहिर हैं, लेकिन ये जनरली आग यहाँ पे लगती है। अगर आप वॉक अराउंड दिखा सकें तो ये दोनों कैंप नीले रंग के आपको पार्क व्हील के नजर आ जाएंगे, एक में मैं और गुड्डू सोए थे, एक में रजा साहब। ये वॉशरूम है वाले जो अगर आप पीछे दिखा सकें, जो पुराने पहले बनते थे, ये भी पोर्टेबल वॉशरूम है। यहाँ पे सहरा में वॉशरूम का होना ही एक बड़ी नेमत है, लेकिन इधर आए आपको दिखाते हैं मोबाइल वॉशरूम। सो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसका शुक्र है हमने गुड्डू को पासवर्ड नहीं दिया हुआ, उसको हमने कहा 4 दफ़ा 0 डाले, वो डालता रहा शाम पूरी लेकिन नहीं चले। सो यहाँ से जाएंगे और ये देखें, आप उसको दिखा देते हैं व्हील्स के साथ, आप इसको यहाँ पे टो करना है गाड़ी के साथ टो कर सकते हैं। ये उसका स्पेयर व्हील है, साथ उसकी वाटर सप्लाई आ गई, वाटर सप्लाई के अलावा गीज़र आ गया, तो गर्म पानी भी उसके साथ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और गुड्डू को हमने पासवर्ड नहीं बताना, गुड्डू साहब 4 दफ़ा 0 डालेंगे, हम पासवर्ड डालते हैं और ये खुल गया, और आप साफ सुथरे वॉशरूम को यूज़ करके यहाँ पे शावर ले सकते हैं, कमोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत अंदर से अगर आप दिखा सकें, चूँकि अभी बिल्कुल नया बनाया है इन्होंने, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी। और ये मज़े की बात है कि इन्होंने भावलपुर में खुद इसको तैयार किया है, ये बाहर से कहीं से आया नहीं था, खुद पूरा इसका जो है ना हर एक चीज़ यहाँ पे तैयार की गई है। खासतौर पे ये सीढ़ियाँ जो हैं ये पोर्टेबल हैं, क्योंकि अगर इसको जब चलाना होता है या टोल प्लाजा वगैरह से गुजारना है, ट्रैवल करना है, तो इस सीढ़ी को उतार के फिर उसमें गुजारा जाता है। तो ये भी उस लिहाज से मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी इनोवेशन है, और फहीम भाई ने इसका मैं पूरा टूर दिया था कि किस तरह उन्होंने बनाया है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। और अगेन इट्स इज़ ऑल बिल्ट इन पाकिस्तान, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ये सर बहराम अली थे, पांच बजे का टाइम रखा था, लेकिन ये बिरयानी अच्छी मांग रहा है और इसने उठ के खाना शुरू कर देनी है, तो पोस्टपोन हो जाना सारा काम। रजा साहब जो है सुबह से गायब हुए हैं, हमें मिल नहीं चुक रहे, दिलवर स्टेडियम में सुना है आखिरी टाइम पे अपने शौक सी को ट्यूनिंग करा रहे हैं, लास्ट मिनट पंगा ले रहे हैं गाड़ी से, तो हम जरा देखने जा रहे हैं उनको, और साथ उनके जो अरगान साहब नेविगेटर हैं, ये ना वो भूखे मारे हम फौत हो जाएं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो हम उनका ख्याल करते हुए जा रहे हैं। सर मैं ये कहूँगा कि इस मिशन में हमारा एक और
गोल भी है। मौलाना का और वाली भाई का डिनर। अच्छा मौलाना ने कुछ कहा ही नहीं, उनका डिनर। हसान भाई की तो इंट्रोडक्शन ही हमने कराई यार, उधर हसान भाई की तरफ कैमरा करें। ये हसान भाई हमारे दोस्त हैं, इनकी कंपनी है जी ग्रोसर ऐप के नाम से। अगर आप लोगों को कहीं घर पे बैठे हुए कोई ग्रोसरी डिलीवर करानी हो किसी टाइम, तो आप ग्रोसर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। शाउट आउट मेरी कंपनी तो नहीं देता सर, पैसे दिए उन्होंने, आप ही दे दें, मेरी एक साल की डिलीवरियां फ्री है, तुम भी करो और रजा साहब जो है आखिरी टाइम तक जो है ना सेटिस्फाई नहीं होते, वो अपने शॉक की जो वेल्विंग को दोबारा कराई है, इन्होंने शॉक उतार के लेके गए हैं, अब उसको लगवा के लेके आए हैं, अब इसको फिर को पंगा लेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट हो रहा है। सर बिल्कुल सही चलती हुई गाड़ी को कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कोई काम निकाल लें, हम बिल्कुल सही चलती हुई को कोशिश कर रहे हैं कोई काम निकाल लें भाई, उनकी जिंदगी का असूल है परफेक्शन की तलाश। तो सर सुनील साहब को जबरदस्ती मुड़वा के एक बारबेक्यू के रेस्टोरेंट में रुके, मुगले आजम, और बड़ा एक म्यूजिक लगा था जो बंद करवाया अभी, तो यहाँ पे अभी हमने खाना ऑर्डर ही किया है, तो हमें सुनील साहब के भी बड़े अच्छे फॉलोअर हैं, दोस्त हैं, वो मिले हैं, उनका रेस्टोरेंट है। कितने दिन के लिए लगाते हैं रेस्टोरेंट ये? हम 3 दिन के लिए, जैसे 9th से 13 रैली है, ठीक है, सारे 4 दिन हमारा ये चल रहा है सेटअप, उसके बाद खत्म, उसके बाद खत्म। तो सर अब सेल्फी का एक बाजार गर्म हो गया, जो सुनील साहब बहुत लाइक करते हैं, उनकी यही फीड है, हमें रोटी चाहिए, उनको यही चीज़ें चाहिए, उनका पेट भर जाता है सुनील सर। और कल रात को माशाल्लाह जितनी अच्छी नींद हुई है और जितने आपने ठुड्डे मारे हैं, उसके बाद कमर का हर एक हिस्सा जो है ना उसके साथ आपने इंसाफ किया था। हेलो ना सके जी, रेस, रेस की बात सर, रेस की क्या बात करो, उससे पूछे नहीं है, हम टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, रेस नहीं है। विटारा को चैलेंज किया कि मैं ऑल्टो से चैलेंज करता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं फास्ट स्पीड और रेसिंग के खिलाफ होता हूं। अगर आपको रेस करनी है चोलिस्तान आए, आप अपनी रेंज रोवर जो ले आए, मैं 660 सीसी ऑल्टो में आपको रोई पे ना चपेड़े मारूं तो मेरा नाम बदल दो, करें ना वही सब। अब कितनी दफा जानवर बदलने हैं, जगह बदलनी है। ये कि सर वापस आ गए और सबसे पहले फिनिश करने का हमें वो मिला है जिसे कहते हैं ना एजाज। बट ये देखिए ये रेस का हिस्सा है, एक 1.5-2-3 महीने से गाड़ी तैयार हो रही थी, वापस आया करने के बाद भी रैली से पहले आए और आखिरी रात जो इन्होंने पंगा लिया है कल। अब राजा साहब तो इधर सुन नहीं रहे, इनके मैकेनिक से मैंने पूछा गाड़ी को क्या मसला है, उन्होंने कहा सर मसला है कोई नहीं लेकिन हो जाएगा सवेर तक। मैं क्यों, उन्होंने कहा जी आखिरी मिनट पर ये थर्मोस्टेट वॉल्व जो कि खाक सर लेके आया था वो इन्होंने चेंज किया था रात को 3 बजे, और पिछले वाला सही चल रहा था और नए वाले ने जो है तकरीबन 40 किलोमीटर जो हम स्टार्ट से अंदर गए थे उसके बाद जो प्रॉपर स्टार्ट है उसके मैक्सिमम मेरा ख्याल है 10 किलोमीटर के अंदर वो गाड़ी गर्म होना शुरू हो गई और वहाँ पे ये 1.5 साल की तैयारी का जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया था। बट पार्ट ऑफ गेम, अब बाकियों का देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और आपको दिखाएंगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सो के उठे हैं, अल्लाह का एहसान है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, घोड़ों पे पैसा लगाया हुआ है और बैठ के देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बुक खोली हुई है, बुक खोली हुई है सर, और चोलिस्तान के अंदर बुक खोली हुई है, आपने अगर लगाना है तो अभी भी रजा साहब का रेट अभी भी खोल के बैठे सर। तालीम का सिलसिला जारी था जी भाई, क्या रिपोर्ट है आधा अल्हम्दुलिल्लाह सफर मुकम्मल हो गया, मिड पे कौन कौन हमेशा की तरह गाड़ी खराब हो चुकी है, उसका ये फायदा है कि हम सारे इकट्ठे जाएं।